नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ZSAI में। दोस्तों, चाइना ने एक कमल का काम कर दिखाया है। इसने आर्कटिक भेड़िये की प्रजाति, जो विलुप्त होने की कगार पर है, उस प्रजाति के भेड़िये को क्लोनिंग करके बचाने का प्रयास किया है और सफल भी हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए चलिए जानते हैं। आर्कटिक भेड़िया, जिसे हम व्हाइट वुल्फ, पोलर वुल्फ या ध्रुवीय भेड़िये के नाम से भी जानते हैं, कनाडा के उत्तरी आर्कटिक द्वीप समूह के उच्च आर्कटिक टंड्रा के मूल निवासी ग्रे वुल्फ की एक उपप्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपेस आर्थकोज है। अभी वर्तमान में आर्कटिक भेड़िया विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन्हें बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में चीन ने पहली बार आर्कटिक भेड़िये की क्लोनिंग करके नया भेड़िया पैदा किया है। इसे पैदा हुए 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं और यह पूर्ण तरह से स्वस्थ है। इस क्लोन भेड़िये को चीन की कंपनी सिनजिन बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। इस भेड़िये का जन्म 10 जून 2022 को हुआ और इसका नाम माया रखा गया है। और जिस आर्कटिक भेड़िये की डोनर सेल से इसे तैयार किया गया है, उसका नाम भी माया ही था। आइए अब ये समझते हैं कि इसकी क्लोनिंग संभव कैसे हो सकी। माया को बनाने के लिए बीजिंग की कंपनी सिनजिंग बायोटेक्नोलॉजी ने सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है। यह तकनीक है जो 1996 में पहली बार स्तनपाई क्लोन डॉली नाम की भेड़ को बनाने में अपनाई गई थी। माया को बनाने के लिए सिनजिन बायोटेक्नोलॉजी और हार्बिन पोलरलैंड ने मिलकर सन 2020 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था और लगभग 2 साल की मेहनत के बाद ये क्लोनिंग सफल हुई। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कनाडा से एक मादा भेड़िये को लाया गया। इस मूल आर्कटिक भेड़िये का नाम भी माया ही था। इसके त्वचा के नमूने से डोनर सेल्स लिए, इसके बाद इसका अंडाणु एक मादा कुत्ते से लिया गया और फिर इसे एक बिगल ब्रीड की कुतिया के गर्भ में सेरोगेट किया गया। आपको बता दें कि बिगल ब्रीड कुत्ते की एक नस्ल है। सवाल ये उठता है कि बिगल ब्रीड का ही चयन सरोगेसी के लिए क्यों किया गया, तो आपको बता दें आर्कटिक भेड़िये और बिगल ब्रीड की कुतिया का जेनेटिक कई मामलों में एक जैसा होता है। अगर किसी और कुत्ते का चयन किया गया होता तो शायद प्रोजेक्ट सफल ना हो पाता। वैज्ञानिकों के पास जो डोनर सेल्स और अंडाणु मौजूद थे, उससे वे 85 भ्रूण बनाने में सफल हुए, जिन्हें 7 मादा बीगल कुतिया के गर्भ में प्रत्यारोपित किया गया था। आखिर में एक स्वस्थ भेड़िये का जन्म हुआ और वो थी माया। सिनोजिन बायोटेक्नोलॉजी के मुताबिक झाड़ीदार पूंछ वाली भूरे रंग की माया स्वस्थ है। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए आर्कटिक भेड़िये की क्लोनिंग एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि क्लोनिंग से दुनिया के दुर्लभ और विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके जीवों को भी बचाया जा सकेगा। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें।